हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कुछ घंटों में शुरू होने वाली है इस हफ्ते की मंडे नाइट रो, और इस रो के लिए काफी मैचेस अनाउंस हो चुके हैं। शुरुआत करते हैं एक्सप्रेस सिंगल्स मैच से, जो होने वाला है इस बार एक स्ट्रीट फाइट, द प्राइस फाइटर केविन ओवंस वर्सेज द स्ट्रीट चैंप सोलो सिकोवा। इस बार एक स्ट्रीट फाइट होने वाली है, तो इसका मतलब अगर उसोज डायरेक्टली भी इंटरफेयर करते हैं इस मैच में, तो भी सोलो सिकोवा डिस्क्वालीफाई नहीं होने वाले हैं। तो इस वजह से सोलो सिकोवा ही इस मैच को जीतने वाले हैं। वैसे केविन ओवंस को मैच जीतना चाहिए और उन्हें जीतकर सोलो सिकोवा की अनडिफीटेड स्ट्रीक को खत्म करना चाहिए। और इसके बाद हमें एक फेस ऑफ देखने को मिलने वाला है बिटवीन द बीस्ट ब्रॉक लेसनर एंड द नाइजीरियन जायंट ओमोस। और मेरे हिसाब से MVP की हेल्प से ओमोस को यहाँ पर अपर हैंड मिलने वाला है। इसके बाद होने वाला है एक स्पेशल सिंगल्स मैच बिटवीन फॉर्मर नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन ब्रॉन्सन रीड एंड इलायस। फिलहाल ब्रॉन्सन रीड सिंगल्स मैच में अनडिफीटेड चल रहे हैं, और इस मैच को भी जीतकर वो अपनी स्ट्रिक कंटिन्यू रखने वाले हैं। और फिर इसके बाद इस शो पर हमें ऑस्टिन थ्योरी एंड द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम जॉन सीना की स्टोरी लाइन कंटिन्यू देखने को मिलने वाली है। लास्ट वीक रो पर इन दोनों का मैच कन्फर्म हो गया था रेसलमेनिया के लिए, लेकिन मेरे हिसाब से लगता है कि जॉन सीना इस रो पर हमें देखने को मिलने वाले नहीं है। तो यहाँ पर ऑस्टिन थ्योरी का कुछ सिंगल्स मैच हो सकता है, या फिर ऑस्टिन थ्योरी यहाँ पर कोई प्रोमो कट करते हुए नजर आएंगे। और फिर इसके बाद इस शो पर हमें देखने को मिलने वाला है एक टैग टीम मैच, ल्यूक गैलोस एंड कार्ल एंडरसन दी ओसी वर्सेस मैक्सिमम मैन मॉडल्स। और यहाँ पर डेफिनेटली ही ओसी इस मैच को जीतने वाले हैं। और इसके बाद इस शो पर हमें बॉबी लेसली एंड ब्रे वायट का भी कोई सेगमेंट देखने को मिलना चाहिए, क्योंकि लास्ट स्मैकडाउन पर भी हमें इन दोनों के बीच कुछ देखने को नहीं मिला था। और फाइनली हमें दोनों का मैच भी कंफर्म हो जाना चाहिए रेसलमेनिया के लिए। और फिर इसके बाद होने वाला है वुमेंस डिवीजन से एक नॉन टाइटल मैच, द EST ऑफ WWE द रॉ वुमेंस चैंपियन बियांका बेलेयर वर्सेस चेल्सी ग्रीन। इस मैच को डेफिनेटली ही बियांका बेलेयर जीतने वाली है, लेकिन मैच के बाद आस्का बियांका बेलेयर पर अटैक करते हुए नजर आ सकती है। इसके बाद हमें देखने को मिलने वाला है शो पर एक फेस ऑफ बिटवीन द रेटेड आर सुपरस्टार एज एंड द लीडर ऑफ जजमेंट डे फिन बैलर। और यहाँ पर इस शो पर फाइनली इन दोनों के बीच भी मैच कंफर्म हो जाएगा रेसलमेनिया के लिए। रिपोर्ट्स के अनुसार इन दोनों के बीच हमें एक गिमिक मैच देखने को मिलने वाला है बिटवीन ब्रूड एज एंड डीमन बैलर। और मेरे हिसाब से ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों की राइवलरी काफ़ी हाई दिखाई जा रही है। और इसके बाद इस शो पर लोगन पॉल एंड सेथ फ्रीकिन रॉलिंस की स्टोरी लाइन भी कंटिन्यू देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर लोगन पॉल तो हमें मुश्किल ही शो पर देखने को मिलेंगे, लेकिन सेथ रॉलिंस का कोई सिंगल्स मैच हो सकता है मिस से। और फिर इसके बाद हमें देखने को मिलने वाला है एक फर्स्ट टाइम ओवर टैग टीम मैच, जॉनी गार्गानो एंड डेक्स्टर लूमिस वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो एंड डेमियन प्रीस्ट द जजमेंट डे। यहाँ पर हमें ग्रेसन वॉलर का कोई इंटरफेरेंस देखने को मिल सकता है, क्योंकि स्टैंडर्ड डिलीवर के लिए मैच कन्फर्म हो चुका है जॉनी गार्गानो वर्सेस ग्रेसन वॉलर। तो उनकी डिस्ट्रक्शन की वजह से जजमेंट डे इस मैच को जीतने वाली है। और फिर इसके बाद पॉसिबली इशू का मेन इवेंट में हमें एक सिंगल्स मैच देखने को मिलने वाला है, एक फर्स्ट टाइम एवर मैच बिटवीन द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स एंड LA नाइट। यहाँ पर उसोज डिस्ट्रिक्ट करते हुए नजर आएंगे कोडी रोड्स को, लेकिन फिर भी कोडी रोड्स इस मैच को जीतने वाले हैं। और मैच के बाद हमें सेमी जेन कोडी रोड्स को सेव करते हुए नजर आ सकते हैं। सो गाइज, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो।